इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लास्ट दो टेस्ट मैचों के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में मार्कस स्टोनिस को शामिल किया गया है। स्टोनिस का नाम दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शुमार है जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के जड़े हैं। स्टोनिस टीम ऑस्ट्रेलियाई टीम में मार्श की जगह शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि मार्श कंधे की चोट के कारण भारत के खिलाफ अंतिम दो टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम से बाहर हो गए हैं। स्टोनिस अपने विस्फोटक बल्लेबाजी और उम्दा गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। स्टोनिस अभी शेफील्ड शील्ड में बुश रेजर्स के लिए खेल रहे हैं। स्टोनिस ने 2016-17 के शेफील्ड शील्ड सीजन में 15.63 की औसत से रन बनाए हैं। गेंद के साथ उनका औसत 39 के आसपास है। स्टोनिस हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड वनडे में शतक लगाने और 3 विकेट लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बने थे। उनके नाबाद 146 रन और 3 विकेट के बावजूद कंगारू टीम को हार मिली थी। स्टोनिस ने जुलाई 2015 में अनाधिकारिक मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। उन्होंने नेशनल परफॉर्मेंस स्क्वाड की तरफ से नेशनल इंडिजीनियस स्क्वाड के खिलाफ ये कारनामा किया था। उन्होंने गेंदबाज ब्रेंडन स्मिथ की 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़े थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम में अतिरिक्त बल्लेबाज के तौर पर उस्मान ख्वाजा और 2 स्पिन गेंदबाज ग्लेन मैक्सवेल और एस्टन एगर शामिल हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के 2 मैच खेले जा चुके हैं और दोनों टीम 1-1 से बराबरी पर है। दोनों टीमों के बीच अगला टेस्ट मैच 16 मार्च से रांची में खेला जाएगा।